हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है। आरआरबी एनटीवीसी एग्जाम्स 2021 को लेकर के डिटेल्ड आई हुई है कि रेलवे ने किया है सरकारी नौकरियों के लिए जो भी आवेदन था उसको लेकर के क्या अपडेट दिया हुआ है। तो उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यानी कि ये सुरक्षा के लिहाज से बात किया गया है। और आगे देखिए, प्रत्याशियों के लॉग इन करने की विधि बताई गई है, कैसे लॉग इन करना है। आपको आपका पंजीकरण संख्या, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर डाल करके लॉग इन आपको करना रहेगा। और इस पर लेकर के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। अभी ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है। छठे फेज के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। बोर्ड जल्द ही सातवें फेज के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। और सातवें फेज में एडमिट कार्ड के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई विसंगति होती है तो किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होती है या किसी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में कोई शिकायत हो तो ऐसा कुछ हो तो ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रेलवे बोर्ड के पास है। तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो रेलवे बोर्ड के पास ये अधिकार है। रेलवे परीक्षा भर्ती में 4 दिन पहले से ही परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा सेंटर की जानकारी एडमिट कार्ड पर ही दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार के पास एग्जाम सेंटर जाने की तैयारी के लिए केवल 4 दिन का समय होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को फ्री ट्रेवल का पास दिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम की अगर बात किया जाए तो रिपोर्टिंग टाइम की जिम्मेदारी जानकारी है उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दी जाएगी कि किस टाइम पर रिपोर्ट करना है। परीक्षा के समय से 1 घंटे पहले उम्मीदवारों को परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा। उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर देरी से पहुंचने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार इस बात का ध्यान दें कि परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना प्रतिबंध, चाहे वो मोबाइल हो, पेजर हो, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरप्लग, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जैसे किसी भी उपकरण का हाल में ले जाना प्रतिबंधित है। तो इस तरह से आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स को लेकर के तैयारियां चल रही हैं कि 2021 के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स किस तरह से कराए जाएंगे। तो उसके लिए ये पूरी डिटेल है कि कैसे कैसे एग्जाम्स आपके करवाने हैं। तो आई होप वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपने एग्जाम्स के लेकर के काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। तो एग्जाम्स से रिलेटेड अपडेट्स हैं जो कि आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो आपको इसी तरह के अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।